अरनी यूनिवर्सिटी काठगढ़ इंदौरा का समस्त स्टाफ पिछले कई महीनों से वेतन को तरस रहा है, तो वहीं जहां पढ़ने वाले बच्चे भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जहां स्टाफ को बिना वेतन के कार्य करना पड़ रहा है, तो यूनिवर्सिटी की दर्जनों समस्याओं को लेकर अरनी यूनिवर्सिटी के बच्चों का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम से विधानसभा में मिला और उन्हें समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं सीएम ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही उनकी समस्याओं को शिक्षा मंत्री के सामने रखेंगे और इसका हल निकालने के भी आदेश देंगे। अरनी यूनिवर्सिटी काठगढ़ इंदौरा का समस्त स्टाफ पिछले कई महीनों से वेतन को तरस रहा है, तो वहीं जहां पढ़ने वाले बच्चे भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जहां स्टाफ को बिना वेतन के कार्य करना पड़ रहा है, तो यूनिवर्सिटी की दर्जनों समस्याओं को लेकर अरनी यूनिवर्सिटी के बच्चों का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम से विधानसभा में मिला और उन्हें समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं सीएम ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही उनकी समस्या को शिक्षा मंत्री के सामने रखेंगे और इसका हल निकालने के आदेश देंगे। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को बताया कि समस्याओं को लेकर वे कई बार अरनी यूनिवर्सिटी में प्रबंधक कमेटी के खिलाफ धरने दे चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से मात्र आज तक आश्वासन ही मिले हैं। I'm from Sikkim and I'm pursuing my MSc in Arni University, you know. And not only me, there are 15 more members are there with me from Sikkim. And since the day of the class we have came here, no proper classes have been working. So we are so much frustrated and our parents aren't sending here to spend just for the holidays, no. And un logon ki bhi koi expectation hai humse na. Kal agar hum MSc level se nikal ke jayenge to we have to teach other, like hum bhi teacher banenge na. So we don't want to let them down. As well as agar hum bhi kuch nahi sikhe to hum apne जनरेशन को क्या सिखाएंगे ना सर, इसीलिए क्लासेस की जरूरी है। समस्या ये है कि हम अरनी यूनिवर्सिटी से आए हैं तो वहाँ पे हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और जो भी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, ये अभी जो भी है ये हिमाचल सरकार ही करेगी इसका। हाँ जी सर, ये ना सीएम साहब ने कहा कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर से बात करता हूँ। आप किस मांग को लेके आए थे? सर ये कि हमारी क्लासेस नहीं हो रही है, हम काफी टाइम से बहुत परेशान है, ना हॉस्टल साफ है, ना खाना अच्छा है, ना सेफ्टी है गर्ल्स के लिए, कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। हम सेव कर रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं हम अपने घर वालों का पैसा बर्बाद करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। हमने बहुत पैसा दिया यहाँ पे लेकिन उसके बाद हमें ये सब मिल रहा है, हम वहाँ पे सिर्फ बैठे हैं। हमने बहुत बार बोला नहीं, हमारी बात कोई भी बात नहीं मानते और कल रजिस्ट्रार सर ने बोल दिया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं, आपको जो करना कर लो। सिक्योरिटी बिल्कुल खुला है वहाँ पे, जंगल में सफाई हुए हुए आई थिंक बहुत दो एक साल हो गया कभी सफाई कुछ भी नहीं है की यूनिवर्सिटी से सर, कुछ वहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारी पिछले एक सालों से कोई क्लास नहीं लगी वहाँ से सर, कोई क्लास नहीं लग रही है, सफाई वहाँ पे नहीं होती है सर, मैस में खाना नहीं हमें ढंग का मिल रहा सर, खाना क्या सर वहाँ पे। आप एक बार, मैं चाहती हूँ कि सर खुद आके वहाँ पे एक बार विजिट करें सर। सिक्योरिटी वाला रात को कोई नहीं होता सर, हम इतनी लड़कियाँ वहाँ पे तो कौन जाए सर, हम लोग खुद जम्मू से हैं, आधे ये पूंछ से सर, हम क्या करें वहाँ पे, आप हमें खुद एक। और मेरा भी थर्ड सेमेस्टर है सर अरनी में, और अभी इस सेमेस्टर में कोई भी हमारी एक भी क्लास नहीं लगी है और ना ही टीचर हमारी क्लास में आते हैं, सीधा मना करते हैं कि हमें पे नहीं मिली है और हम क्लासें नहीं लगाएंगे सर। सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और अभी तक मुझे इतना पता नहीं है कि सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट ये सब्जेक्ट होते क्या है। और सर हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले मैं 1.5 साल से देख रहा हूँ, कम से कम एक महीने में 2 या 3 VC चेंज होते हैं। हमारे अभी रजिस्ट्रार सर का क्वालिफिकेशन का कोई पता नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है, और उनसे बात करें सर तो वो मतलब तरीके से पेश नहीं आते हैं। और सर अगर हम किसी एप्लीकेशन पे साइन करवाना चाहें तो सर एक एप्लीकेशन साइन करवाने के लिए कम से कम 3 या 4 घंटे का हमें जितना टाइम हमें सीएम साहब से मिलने के लिए नहीं लगा, उससे ज़्यादा टाइम वो एक सिग्नेचर करने के लिए लगा देते हैं। तो सर कोई भी वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, ना मैथ्स की फैसिलिटी है, ना ही मेडिकल फैसिलिटी है, ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गर्ल्स अनसेफ है। और सर वहाँ पे मतलब एक भी मतलब 100 में से 1 भी अच्छाई नहीं है, 100 में से 100 बुराई है। उम्मीद करते हैं कि वो हमारे समस्याओं का हल करें।